तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? तो ब्लॉग में यहीं पर स्टार्ट कर रहा हूँ शॉप, इस पेट वाले शॉप पर, क्योंकि मैंने जेली के लिए उसका स्वेटर ले लिया भाई यहाँ से, और उसका और भी जो वैक्सीन है वो भी ले लिया हूँ। जो भी मतलब जितने पेट्स आप पालते हैं सारा यहाँ मिल जाएगा। वैसे टेम्परेचर भी अंकल लगभग 10-11 हैं, काम चल जाएगा। पिछली बार आए थे तो वो बड़ा वाला लेकर गए थे, पाउच वाला, जिसको डिग्री मेंटेन किया रखना था 2-9 के बीच में, तो सुविधा होती है ऐसे बर्फ में लेकर जाना। और ठंड भी है, ज़्यादा देर तक टिक जाएगा। हाँ ठंड है ना, एक पैर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, लेफ्ट वाले का। दोनों पैर सही हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है पूरे शरीर में, केवल जो लेफ्ट वाला पैर है उसके घुटनों मतलब घुटनों में नहीं, नी के नीचे दर्द कर रहा है। जैसे लोगों को लगता है कि बहुत इजी है लाना, कह दें आ जाएगा, कितने कष्ट में से लाते हैं हम लोग, हमें लोग को पता चलता है भाई। फिर भी अब 3-4 इलेक्ट्रॉनिक बस अपने कॉलेज आप तक जाने लगी है, तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। मैं इलेक्ट्रॉनिक बस का वेट कर रहा हूँ सातंग चौराहे पर, कई लोग वेट कर रहे हैं भाई। मतलब सस्ता है, अगर ज़्यादा दूर जर्नी करनी है आपको तो इलेक्ट्रॉनिक बस सबसे बढ़िया है। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक बस नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी बस आ रही है सामने मेरी, और मैं उसमें ही चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे गगहा तक ही जाना है। गगहा रुक जाऊँगा क्योंकि जेली को वहीं पर लेकर आना है भैया, सुई लगेगा वहीं पर। ठीक है, बस में भीड़ भी नहीं है तो मैं बस में ही बैठ जाता हूँ। हेलमेट रखा हूँ आर्यन का, पहली बस मिल गई सरकारी। खून जमा देने वाली ठंडी, 7-8 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंड है। और इस वक्त चौराहे पर हूँ अपने, वेट कर रहा हूँ, भैया आ रहे हैं या चेली को लेकर आ रहे हैं। और छोटू पतंग उड़ा रहा है, सो हे गाइस वेलकम बैक। तो इस वक्त मैं घर आ गया और फिलहाल आर्यन आ गया, उसका हेलमेट हैंड ओवर करते हैं। उसके स्टड्स का हेलमेट से भाई गजब का हेलमेट है, और इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑफलाइन लेना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और बाकी अगर ऑनलाइन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जाके प्रोडक्ट लीजिएगा, मतलब ऑर्डर कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। और ये सोच रहा है बंदा कि हम कैसे इसका अनबॉक्सिंग करें। अभी भाई पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि कोई चीज सामने है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा यूनिक टाइप से। अच्छा, मैं उठता हूँ और इसको बताता हूँ कि कैसे तुम करोगे अनबॉक्सिंग। गांव का गाइस मौसम देख लो यार, एकदम ठंड पड़ी है, और ये गाड़ी चला कर आया अपना हेलमेट लेने के लिए। सो गाइस फाइनली हेलमेट बंदा पहन लिया है, लास्ट में था, और हेलमेट पहन लिया और काफी अच्छा लग रहा है। सेटिस्फाइड हो ना? बढ़िया है ना हेलमेट। चलो भाई इसको हेलमेट हैंड ओवर कर दिए, लगा होगा कि अपना वीडियो भी शूट कर लिया, काफी अच्छा। मुझे तो पसंद था, मुझे मैं जब बाइक लूंगा ना दूसरा तो इसी टाइप का हेलमेट लूंगा, और उस पर स्टिकर लगवाऊंगा काफी खतरनाक वाला। और ये डब्बा वो लेकर कहाँ जा रहा है? डब्बा वो लेकर आप पढ़ते हैं सब भाई साहब, पैदल यात्रा करते हैं पैदल यात्रा वो सब वहाँ तक करते हैं। अरे तुम लोग किसके लिए पैदल यात्रा कर रहे हो? मेरा तो बस था कि पास होने के लिए। अच्छा, पास होने के लिए, पास होने के लिए करना है, उससे बढ़िया है भाई। हर हर महादेव। तो गाइज आपको कैसे हैं? इस वक्त हम आए हैं, ये यूट्यूब पर इनका 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, राजन जी महाराज हैं, और हमारे बड़हलगंज में इनका चल रहा है कथा, और 4-5 दिन हो चुके हैं। और मैं आया हूँ यहाँ पर, आप लोग को ये दिखाएंगे। फिलहाल आते हैं यहाँ पर, शॉप्स लगी हुई हैं और वो सब दिखा देते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। फ्री में है लेकिन बहुत बेकार है। अरे एक बार टेस्ट करो, टेस्ट ही करो फ्री उससे करो, नहीं पहले एक बार टेस्ट करो भैया। अच्छा खत्म हो गया, अभी बना रहे हैं भैया। चलिए हमारे राम जी का मंदिर। तो यार अभी फिलहाल अपना फ्री वाला चाय छोड़कर वीडियो बनाने आ गया हूँ,
तो यहाँ पे अपने गोरखपुर की बुक स्टॉल है, आओ दिखाते हैं। वैसे नॉर्मली वही सब बुक मिलेंगी, रामचरितमानस और भी सारी पुस्तकें, अयोध्या महोत्सव। जितनी धार्मिक बुक्स हैं सारी यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, गीता परिषद से जो भी प्रकाशित होती हैं, और भी सारी ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर आके पता ही चलेगा कि कौन सी बीमारी का कौन सी दवा है, ठीक है। और बाकी आपको अयोध्या सेवा संस्था वाला दिखा दिए हैं, मंदिर काफ़ी सुंदर सुंदर बनाया गया था लकड़ी का, और बाकी अंदर भी लेके चलेंगे आप लोग को क्या होता है वो भी दिखाएंगे, पता चल रहा है। ये रहे यही बाबा का श्री राजन जी, पापा जी का पेन ड्राइव बिकता है यहाँ पे 600 600 कितना जीबी का है? 16 जीबी का भैया। श्री राम कथा देख लीजिए, पूज्य महाराज राजन जी का, यहाँ पे ऑडियो मिलेगा, MP3 मिलेगा और राम कथा मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं इसमें, और ये 600 रुपए का है, 16 जीबी का। इसमें मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है? पेन ड्राइव है, ठीक। कोई खुलता नहीं रखे, मतलब खुला हुआ? चलिए कोई नहीं, बढ़िया है। ये भाई साहब लिए हैं, और एक भैया पुलिस वाले थे, खाने पीते हैं, वो लिए हैं। बस हम लोग अपने यहाँ से निकलेंगे अपनी बाइक लेकर, ठीक है यार। तो हम लोग निकलते हैं, फाइनली टोपी पहन लिए और यहाँ पर सारा अपना सामान बन गया मेरे को, तो ये भी देख लो मेरे जैसा सेम टू सेम। तू मेरा कॉपी किया है, पुराना किसका टोपी है पहले ये पता लगा, मेरा पुराना है, मेरा ब्लॉग बनाया है, खरीदा है अभी नहीं भाई, हमने खरीदा पुराना मेरा 2 महीना पहले ही खरीदा था। और यहाँ से कथा खत्म होता है और हम लोग चलते हैं, बाकी बहुत पोस्टर लगा भाई, काफी पोस्टर लग गया भाई, काफी पोस्टर। सो हम भी कथा वथा सुन कर आए हैं मोमोज खाने के लिए, मोमोज वोमोज खा लेते हैं, और काफी बढ़िया मोमोज होता है अपने हाटा बाजार का, भाई का कमश्याम का। फिनिश करते हैं फिर चलेंगे घर, इसको थाने पे छोड़ेंगे फिर निकलेंगे।